लेट अस स्टार्ट विद कस्टम्स एक्ट इंट्रोडक्शन. कस्टम ड्यूटी कौन लगाता है, स्टेट या सेंटर? सेंटर. किस चीज पर, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? दोनों पर लगाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखी इसकी पावर? 83 ऑफ यूनियन लिस्ट. किस शेड्यूल में? 7. इनकम टैक्स की पावर कहां पर है? इनकम टैक्स की पावर एंट्री नंबर 4. क्यों 4 था? क्या था वो? चार्जिंग सेक्शन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ लॉ. अगर हम किसी भी टैक्स में पढ़ेंगे अगर हम, तो सोर्स लॉ सेम आएंगे, बस म्यूचेटिस म्यूचेंडिस कर दीजिएगा. म्यूचेटिस म्यूचेंडिस का मतलब फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फादर्स आर फाउंड वेरी रेयर. जैसे अगर हम पढ़ेंगे एक्साइज के सोर्सेज तो एक्साइज एक्ट, एक्साइज रूल, सेटा पढ़ेंगे हम. कस्टम के पढ़ेंगे हम तो कस्टम्स एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केसेस, इन सब से कानून समझा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी जो लेवी हुई वो कहां पर लेवी हुई? वो क्या इंडिया की लैंड तक है? वाटर्स में भी है? वाटर्स में भी, ईजेड में भी है. चार्जिंग सेक्शन एक्साइज का कौन सा है? पकड़े गए, सोते हुए पकड़े गए हो. एक्साइज का चार्जिंग सेक्शन 3. सीएसटी का? सीएसटी 6. सब सेक्शन 1. एक्साइज सेक्शन 3. इनकम टैक्स 4. शुक्र है 4. और कस्टम का सेक्शन 12. सेक्शन 12 देखिएगा, यहां पर हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. कस्टम ड्यूटी लेवी, रेट कहां पर लिखे मिलेंगे? सेटा में एक्साइज के. क्या हो गया? और कस्टम के कहां पर लिखे मिलेंगे? सीटीए. नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. क्या गवर्नमेंट पर एक्साइज ड्यूटी लगती है क्या? सीएसटी यस, कस्टम ड्यूटी यस. लेकिन वो बात अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ एग्जेम्पशन मिली हुई है वहां पर. सम एग्जेम्पशन हैज बीन गिवन. नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद अगले पेज पर चेक कीजिएगा, डेफिनेशन जितनी भी है सारे की सारी सेक्शन 2 में कवर्ड अप है. टैक्सेबल इवेंट, जब गुड्स पानी में पहुंच जाएंगे या लैंड पर पहुंचेंगे? लैंड पर. कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट. और एक्सपोर्ट के लिए कब? जब लैंड से जाएंगे या वाटर से? वाटर से जाएंगे. नेक्स्ट सेक्शन 13, पिल्फरेज. पिल्फरेज का मतलब जो छोटी मोटी चोरियां, मंदिर से आप चप्पल चुराते हो, आप तो आप चप्पल चुराते हो तो क्या कहलाई जाती है? पिल्फरेज. क्या आप सारी चप्पल उठाकर ले आते हो या एक ही जोड़ी लेकर आते हो? पूरी गायब कर देते हो पूरे पूरे वहां पर. बड़े वाले चोरों आप लोग. फिर इसका मतलब जो छोटी चोरी होती है पिलफरेज, वो अपने नाप की चप्पल उठाकर लेकर आते हो आप, उसको बोलते हैं पिलफेर करते हैं. यहां पर हमारे यहां पर पिलफेर अगर हो गया तो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है. लेकिन पिलफरेज सिर्फ पोर्ट पर होनी चाहिए. अगर सामान वापस मिल गया तो उस सिचुएशन में ड्यूटी लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी. अगर वेयर हाउस में पिलफरेज हुई तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पोर्ट पर. नेक्स्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 1. अगर आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया या पिलफरेज नहीं हुई, पूरा सामान चोरी हो गया, हम ड्यूटी माफ कर देंगे. नंबर 1, सेक्शन 23(1) पिलफरेज के लिए नहीं है. नंबर 2, ऑफिसर सेटिस्फाई हो कि गुड्स लॉस से डिस्ट्रॉयड हैं. थर्ड, कहीं पर भी हो सकती है, पोर्ट में भी और वेयर हाउस में भी. ये डिफरेंस है बहुत बड़ा. 13(23)(1) के अंदर हम आपकी ड्यूटी माफ कर देंगे. नेक्स्ट 23 सबसेक्शन 2, अगर आप अपने गुड्स छोड़ना चाहें तो पोर्ट पर छोड़ दीजिए. आपके गुड आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, सर मैं डिलीवरी नहीं ले रहा इन गुड्स की, कोई बात नहीं, मत लो, अपना टाइटल रिलिंक्विश कर दो, हम आपकी ड्यूटी माफ कर देंगे, ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे. 23 सबसेक्शन 2. नेक्स्ट 22 अबेटमेंट. क्या आपको याद है डिस्ट्रॉयड और डैमेज में कुछ फर्क होता है? अगर आपको डिफरेंस फिर से याद करना हो तो अभी की अभी अपनी पेंसिल उठाइए और पेंसिल उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए उसके वहां पर आप, तो वो उसको क्या बोलेंगे, डैमेज या डिस्ट्रॉयड? डिस्ट्रॉयड. और अगर उसका पेंसिल का सिक्का तोड़ देंगे तो क्या होगा? डैमेज. करके देखिए एक बार, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो गया यहां पर, ये वाला पॉइंट यहां पर है. अब इस सिचुएशन पेन नहीं दूंगा, पेन दोगे आप यहां पर. इन दैट सिचुएशन तोड़ दी तो अच्छी बात है, दूसरी खरीद लेना. अब डैमेज के केस में इंपोर्टर कहता है सर गुड डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए लेकिन वैल्यू कुछ कम कर दीजिएगा. एग्जाम में एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? यस yes. लेकिन एक कृपया करना, एक प्लीज उसके फिगर चेंज कर लेना साथ साथ यहां पर. ऐसा ना करना सारे के सारे एक फिगर लेकर चले आप, तो उस सिचुएशन में
अगर वैल्यू बिफोर डैमेज 5 लाख थी, बिफोर डैमेज, और उसके ऊपर ड्यूटी 1 लाख रुपए थी, और आफ्टर डैमेज उसकी वैल्यू 4 लाख रह गई, तो उसकी ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली कम करके कितनी ड्यूटी बच जाएगी वहां पर, 80,000। ध्यान नहीं था आप लोगों का भी, 5 लाख वैल्यू बिफोर डैमेज, 1 लाख ड्यूटी बिफोर डैमेज, तो एक किस्म से 20% हो गई। वैसे तो हम ट्रांजेक्शन वैल्यू पर ड्यूटी चार्ज करते हैं, लेकिन अब हम अबेट कर रहे हैं ड्यूटी आपकी, रिड्यूस कर रहे हैं ऑन द वैल्यू आफ्टर डैमेज हो गया पॉइंट, 20% लग गया, 80,000 हो गया, करेक्ट पॉइंट। ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कैसे पता चलेगा वैल्यू, या तो आप उसको ऑफिसर की बात मान जाओ, या फिर मार्केट में सेल कर दीजिए। ये डैमेज, थर्ड पॉइंट, कब तक हो गया हो सामान, कब दिखाना है आपको, जब अनलोड हुआ तब दिखा दीजिए कि मेरी सब पेंसिल टूट गई है, डैमेज हो गया, बिफोर एग्जामिनेशन। या फिर अगर वेयर हाउस से लेकर जा रहे हैं तो वेयर हाउस से रिमूवल से पहले दिखा दीजिए कि मेरा सामान डैमेज हो गया। 3 पॉइंट अपने सामने, अबेटमेंट यानी कि रिडक्शन, शाबाश, मेहनत करो। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 21, जो गुड्स इंडिया में लाए गए या, ढंग से बोलो तरीके से, ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया। वैसे बहुत हाइपोथेटिकल है, स्टूडेंट से पूछा लगातार कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सामान तैरते तैरते अपने आप पहुंच जाएगा, और वो भी कस्टम पोर्ट पर पहुंच जाएगा, वो भी ऑफिसर को खबर लग जाएगी ये सामान उस पर्सन का था, वो आ जाएगा ड्यूटी, एग्जाम में लिखकर तो आना पड़ेगा, एग्जाम में आ गया तो चालू तो हो नहीं जाओगे कि हाँ हमें कि ऐसे ऐसे ऐसे। क्या इन सब का मीनिंग भी लिखना है डेरेलिक्ट जेट्स एंड फ्लोट्स एम का? नहीं, बस ये लिख दीजिए कि ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया शैल बी डेल्ट विद एज इफ दे वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। हाँ, आपके गुड्स कुछ डैमेज हो गए हो तो आपकी ड्यूटी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, सेक्शन 19, आर्टिकल्स लायबल टू डिफरेंट एड। एक होते हैं आर्टिकल असिस्टेंट्स, आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल जब आईपीसी क्लियर कर लेते हो तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। हर आर्टिकल का अलग अलग रेट होता है, कोई आर्टिकल 3,000 का होता है, कोई आर्टिकल 5,000 का होता है, तो उसी से सेक्शन बना, आर्टिकल्स हैविंग डिफरेंट रेट्स। ओके, ये बात कोई बताएगा नहीं, आपको बता दूं यहां पर ये वाली बात, चेक कीजिए, आर्टिकल्स लायबल टू डिफरेंट रेट, लिखिए फॉर एग्जांपल आईपीसीसी वाले का 3,000, जिसने फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर लिया उसका 5,000। इस तरीके से अगर हर आर्टिकल का अलग अलग रेट है तो हम कौन सा रेट लगाएंगे वहां पर, हम हाईएस्ट रेट। ये आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स नहीं है, ये गुड्स वाले आर्टिकल्स हैं। अगर आप एक ही पर्सन से ला रहे हैं तो हाईएस्ट रेट लगा देंगे, एग्जाम्पल कार स्कूटर साइकिल याद रखिएगा। लेकिन क्या अलग अलग रेट भी लग सकता है क्या? यस, एविडेंस किसको देना पड़ेगा, इंपोर्टर को या ऑफिसर को? इंपोर्टर को एविडेंस देना पड़ेगा, इंपोर्टर एविडेंस देगा, पढ़ के देखिएगा, द बर्डन हैज बीन शिफ्टेड, इंपोर्टर एविडेंस देगा, ऑफिसर को देगा। आप सांस तो लेते नहीं हो बीच में, साथ में ध्यान से, इंपोर्टर एविडेंस देगा, ऑफिसर को देगा। अब ठीक है पॉइंट यहां पर वाला है। हां जी, नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्सेसरीज पार्ट्स हैं, अगर आप कार लेकर आते हो तो ये थोड़ा ना कहोगे कि मैं कार का स्टीयर लाया हूं, कार का टायर लाया हूं, सीट लाया हूं, रुई लाया हूं, शीशा लाया हूं। हम तो कार लेकर आए हैं तो उस पर एक ही रेट लगेगा जो कार का है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ड्यूटीज, कितने प्रकार की ड्यूटीज होती हैं, यही लिखा ना एग्जाम में, नाना प्रकार की, चेक कीजिएगा जरा। पहली ड्यूटी, दो शेड्यूल हैं, कौन कौन से दो, फर्स्ट और दूसरा। क्या गजब नॉलेज है आप लोगों की यहां पर। फर्स्ट शेड्यूल किसका है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? इंपोर्ट। सेकंड किसका है, एक्सपोर्ट। कौन सा ज्यादा बड़ा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। नेक्स्ट ड्यूटी अपने सामने, सीबीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ये इक्वल टू विच ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। इंडिया में ऐसी गुड्स पर जितनी एक्साइज लगती उतना रेट लग जाएगा, जो नॉर्मली हम रेट सेटा से देखते हैं। तो सीबीडी अंडर सेक्शन 3(1) हमें इसका रेट सेटा में दिखाई देता है, इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी लगती है यहां पर हमें। किस वैल्यू पर लगाएंगे, आपको पॉइंट याद है अच्छे से, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस बीसीडी, इन दोनों के एग्रीगेट पर हम लगाएंगे सीबीडी अंडर सेक्शन 3(1). अगर एमआरपी में कवर्ड अप है गुड्स तो एमआरपी लेस अबेटमेंट पर
आपकी ड्यूटी कैलकुलेट होती है। अगर गुड्स आपके एक्साइज एक्ट में सेक्शन 4 कैपिटल, याद करो 4 कैपिटल याद आया कुछ आपको, अगर गुड्स एमआरपी में कवर्ड अप होते हैं तो जैसे वहां एक्साइज ड्यूटी निकलती है वैसे यहां भी सीवीडी निकलेगी। वहां एक्साइज ड्यूटी 4A में कैसे निकलती है, एमआरपी लेस अबेटमेंट्स, यहां पर भी सीवीडी वैसे निकलेगी। नेक्स्ट, सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ये किसके इक्वलेंट है, वैट के इक्वलेंट है। मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 4, मैक्सिमम 4%। किस अमाउंट पर लगेगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सीवीडी अंडर 3(1) प्लस एजुकेशन सेस बीसीडी सीवीडी का, उन दोनों के ऊपर, इन सब के ऊपर सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। नेक्स्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगती है जापान अपने कंट्री में वीसीपी 10,000 का बेचता है और हमारे यहां पर सस्ता भेज देता है, तो ये गड़बड़ होता पॉइंट है। वहां पर 10,000 यहां 7,000, ये जो मार्जिन है, ये जो डिफरेंस है, इसे नाम दिया गया मार्जिन ऑफ डंपिंग। आपने इंडिया में डंप कर दिया, आपने वो इतना अमाउंट आपने डिफरेंस डाला, आपने डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस इन जापान एंड प्राइस एट विच गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। जब इंडिया में गुड्स आएंगे तो 7,000 प्लस 3,000 ड्यूटी और इंपोज कर दी जाएगी। एक बार अगर ये ड्यूटी लग गई तो 5 साल लगातार चलती रहेगी। जब जब वीसीपी इंडिया में आएंगे 5 साल तक ये ड्यूटी लगती रहेगी हमेशा। हालांकि इसके एक्सेप्शन भी हैं, फाइल में पढ़ेंगे, ड्यूटी पहले बंद हो सकती है अगर डंपिंग बंद हो जाए, लेकिन हम अपने सिलेबस पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे अभी हम, कि ये ड्यूटी एक बार लग गई तो 5 साल तक जब जब जापान से वो वीसीपी आता रहेगा, वीसीआर आता रहेगा, ड्यूटी लगती रहेगी। अगर सरकार को एक खबर मिल जाती है 5 साल के बाद भी कि अभी भी वो ऐसा करते चले जा रहे हैं, तो ड्यूटी और आगे एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन टोटल कितने साल तक, 10। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जैसी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है वो कंट्री डंप कर देना बंद कर देता है, इट इज स्टॉप। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सेक्शन, सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, समझेंगे अभी इस पॉइंट को, नेक्स्ट पेज पर आइए। सेफगार्ड ड्यूटी, यहां पर कोई डंपिंग नहीं हो रही, जिसने प्राइस पर अपने कंट्री में बेच रहा है उतने ही प्राइस पर यहां पर बेच रहा है, तो एंटी डंपिंग लगा नहीं सकते। लेकिन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा ड्यूटी जरूर लगा सकते हो, सेफगार्ड ड्यूटी। एक बार लग गई तो कम से कम कितने साल चलेगी, 4 साल। लेकिन उसके बाद भी लगता है कि गुड्स बहुत इंक्रीज क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो उसको और एक्सटेंड करके कितने साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बाद में करते हैं, पेज 4.13, वैल्यूएशन। ये जो ड्यूटीज हैं किस वैल्यू पर इंपोज की जाएंगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू पर, द प्राइस पेड और पेबल, जो भी इंपोर्ट किया हमने वही कंडीशन एक्साइज वाली, द प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, द बायर इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, और प्राइस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंपोर्ट करने तक जो भी चीजें लग गई हैं उन सबको एड करेंगे, सेम एक्सपोर्ट के लिए है, ट्रांजेक्शन वैल्यू। नेक्स्ट, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, रेट ऑफ ड्यूटी किस डेट का रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी जिस दिन आपने क्या फाइल की है, बिल ऑफ एंट्री। लेकिन बिल ऑफ एंट्री अगर शिप के आने से पहले फाइल कर दी तो रेट ऑफ ड्यूटी किस डेट का रहेगा, एंट्री इनवर्ड्स का। लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज का अलग पॉइंट है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो कन्वर्ट करते हैं हम डॉलर को इंडियन करेंसी में, वो हमेशा बिल ऑफ एंट्री का ही रहेगा। जब भी बिल ऑफ एंट्री बनाकर देंगे तो हमेशा रेट ऑफ एक्सचेंज उसी डेट का रहेगा। एक्सपोर्ट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। ओके,